खबर नरवर तहसील से है, जहां विद्युत वितरण कंपनी से किसान परेशान है। यहां क्षेत्र के लगभग 26 गांव के किसान धान की फसल बोने के लिए तरस रहे हैं। नरुआ फीडर से किसानों को 24 घंटे में 3-4 घंटे ही लाइट की सप्लाई दी जा रही है। कभी कभी तो पूरा दिन लाइट की सप्लाई नहीं होती है, जबकि ग्रामीण इलाकों में किसानों को लगातार 9 घंटे सप्लाई देने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल बारिश का पानी किसानों का सहारा बना है। मौके पर मौजूद कर्मचारी से जब इस संबंध में बात की गई तो स्पष्ट जवाब ना देते हुए फॉल्ट मेंटेनेंस बहाना करते हुए नजर आए। लाइट की समस्या सर, लाइट हमारे को 9 घंटा मिलती है, 9 घंटा के बजाय हमारे को 3 घंटा नहीं मिल रहा भाई। हफ्ते में देते हैं, एक हफ्ते रात में देते हैं, एक हफ्ता दिन में देते हैं। पहले हफ्ते में रात में हमारे को एक दिन लाइट मिली, 8-7 दिन वैसे ही चला गया, वो भी पूरा टाइम नहीं मिला। आज दूसरा सोमवार से लगा हुआ, तो सोमवार बुध बिल्कुल मंगल को लाइट नहीं मिली सर। समस्या ये है, एक जुलाई से धान लगना चालू जाती है क्षेत्र में, एक जुलाई से आज तक ये खेतों में घास पैदा हो चुका है, जरा हो गया है पूरा खेत। लाइट ना आने के कारण इसका पलेवा नहीं हो पा रहा है, बरसात से थोड़ा बहुत हो गया है तो धान लग चुकी है और शेष लाइट की भरोसे पे पूरा पड़ा हुआ है। लाइट की फिलहाल कटौती नहीं हो रही है, लेकिन खराब मौसम के चलते कभी कभी क्या होता है कि बरसात होती है, बरसात की वजह से लाइन फाल्ट हो जाते हैं, जिससे हमारे लाइन कर्मचारी उसको ठीक करने में सतत प्रयास करते हैं।